I think that they've seen the kind of work that has happened in Rajasthan all this time. I'm sure that they will go out and work for develop and vote for development. Ma'am, how would you apply for the student? Ma'am, how would you apply for the student? Ma'am, in Hindi. Ma'am, how would you? आपने सिंगरेंडी का प्रचार प्रसार किया है. राज्य में क्या माहौल देख रही हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मतदाताओं को? कि सब ये विकास का वोट है और ये सिंगल हैंडेडली नहीं हुआ है. जो भी हुआ है इसमें अनलाइक द अदर पार्टी, इस पार्टी ने पूरी तरह से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता तक सब लोगों ने मिलके मैंने अथक प्रयास करके पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने की कोशिश की है. और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अच्छा विकास का कार्य हुआ है उसको देखते हुए राजस्थान की जनता अपना अपने विवेक से उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी ने ये काम किया है. ये पहले भी हो सकता था परंतु पहले नहीं हुआ और इसीलिए अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब मर्यादा का ध्यान में रखा. मर्यादा जातिवाद और राजनीति काफी हुई है. मर्यादा यादव ने बहुत अच्छी नीति निकाली. आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड बिकॉज मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी नेता विद इतना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कल का है, एक्सपीरियंस नेता और जिनको हमारे परिवार से काफी करीब के ताल्लुकात थे राजमाता साहब के साथ, ऐसे मैंने अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रख पाए. इससे बुरी बात और क्या हो सकता है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल यंगस्टर्स को जाता है और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी यंगस्टर ये सोचे कि इस तरीके से भाषा अगर बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते तो हम भी ये कर सकते. वसुंधरा जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से अलवर की कल की ये देख के मेरे को तो लगता है कि अब मैं बार बार कह रही हूँ कि संयम भाषा पे रखने में प्रॉब्लम क्या हो रही है. हम लोग सब ये भाषा तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है परंतु भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो सुनने में नहीं आता. तो ये कांग्रेस और उनके एलाइज के मुंह से ये क्यों सुनने को आता है? अलवर की रैली में आई थिंक नॉट फॉर माई सेक बट आई थिंक that to set an example and for the future it's very important that election commission takes cognizance of things like this so that people understand that they cannot use this kind of language in future. And also I don't see it being used, it's particularly against women. Ma'am, what do you think regarding the chances? So I actually feel insulted and I feel women are insulted. ये महिलाओं का अपमान है कि आप आज मैंने किसी व्यक्ति पुरुष के साथ तो ये कभी बोलते इस तरीके से नहीं बोलते. तो महिलाओं को अपमान करना जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है तो बर्दाश्त नहीं होगा.